2003 में मैं कबीर की खोज में निकली। कबीर ही क्यों, 15वीं सदी के इस कवि को आज खोजने की मुझे क्यों सूझी? शायद मैंने कबीर का दर खटखटाया राम से निराश होकर, राम को दिए गए उस उग्र रूप से जो हमारे देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का एक कारण बन रहा है। लेकिन कबीर को जानने लगी तो वहां भी राम मिले, और जैसे जैसे मेरी खोज गहरी होती गई, राम और कबीर की कहानियां इतिहास और राजनीति की धुन में से उभरी, एक समान और जुड़ी हुई। से प्रार्थना की गई कि कोई भी कार सेवक अनुशासन न तोड़े और जो लोग गुंबद के ऊपर हैं वो नीचे उतर आए। राम जन्मभूमि जो तोड़े हैं हिंदू वाले, बाबरी मस्जिद जब बाबर ने बनाया था उसी को तोड़े हैं, उसी को तोड़कर तोड़े हैं, उसी को बता रहे हैं कि जो तोड़े हैं, जितने जनता आई थी लाखों आई जनता, तो लोग ये सीडी इसका खरीदते हैं देखते हैं। क्योंकि जो है हिंदू और मुस्लिम का विवाद था, बाबरी मस्जिद जब बाबर ने बनवाया था तो विवाद था, तो उसको हिंदुओं ने इकट्ठा होकर के उसको तोड़ा,
इस खुशी में वो लोग देख रहे हैं और देखना पसंद करते हैं बार बार। हाँ, जैसे मान लीजिए हमारे पूर्वज की कोई जन्मभूमि हो, कोई कब्जा कर ले और तोड़ दे, तो हम लोग प्रेम से हमारे छोटे बच्चे या पीछे देखेंगे, नहीं देखेंगे कैसे तोड़ा गया था, कैसे इसको कब्जा किया गया था, उसी पसंद के से देखते हैं। ऐतिहासिक चीज है हमारा। बहुत लोग खरीदते हैं। अरे खरीदने का आटता नहीं है, आटता ही नहीं है, इतनी बिक्री होती है, इतना सेल होता है कि ये मिलता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसी बात है। रोष भरा हो जनता को इस प्रकार से रखते तोड़ते हैं, जब तोड़ते हैं तो उसको मालूम होता ना कि रोष भरा हुआ, जनता देखती है कहती कैसा हुआ कैसा हुआ, इस प्रकार से देखना पसंद करते हैं वहाँ क्या हुआ कैसे तोड़ा गया कैसे वहाँ। तो इसमें भी एक तरह का मनोरंजन मनोरंजन है आप फिर भी अपने इतिहास से जुड़ा हुआ पहले का जो बात दिया था, दोनों चीज़ है। बजाइए। सर्वप्रथम बाएं गुंबद पर एक और फिर दो नवयुवकों को देखा गया। बनवाया था क्या भाई साहब? ये तीनों गुंबद था जो दिखाई दे रहा है यहाँ टीवी में, ये तीनों गुंबद था जो बाबर ने ऊपर बाबरी मस्जिद का रूप दिया था, जो कि नीचे हिंदू का राम का ही मूर्ति थी, इस वजह से इसको तोड़ा गया, इसलिए कार सेवक ने यहाँ आए। 30 अक्टूबर 1990 को आपको लगता है ये अच्छी बात हुई ये मस्जिद तोड़ दिया? हाँ, यहाँ चूँकि यहाँ बाबर का जन्म तो हुआ नहीं था, यहाँ तो रामचंद्र का जन्म हुआ था, इसलिए बाबर भी मस्जिद टूट गई तो अच्छी बात हुई। अच्छी बात। हाँ, जितने जुड़े थे इसमें? हाँ, आप भी थे? हाँ, सब लोग थे यहाँ। अच्छा, आप भी चढ़े थे गुंबद? गुंबद पर कायदानी संख्या थी, करोड़ों में कई लाखों जनता आई थी कि यहाँ सरसों जमीन पर गिराइए, नहीं गिरता था, इतनी जनता थी यहाँ, कितने लोग तो खुशी में उसमें टूट करके उसी के नीचे दब गए। और आप भी जुड़े थे इसमें? सब लोग जुड़े थे, हम लोग तो ईटा माटी लेके जाके दौड़े थे वहाँ पे, सब लोग ये थे। इसलिए यहाँ हिंदुओं के ठोस पहुँचता है कि बाबर ने ऊपर क्यों बनवा दिया, कहीं बगल में बनवाना चाहिए, भाई उनका धर्म ठीक है, उनका भी धर्म है, लेकिन बगल में बनवा के पूजा करनी है, उनके ऊपर हमारे सर पर थोड़ी मनाएंगे। लेकिन इसकी वजह से जो देश भर में इतने दंगे फसाद हुए वो अच्छी बात हुई? नहीं तो अब क्या करें, अब कमजोरी किए तो अपने माई की माई न कहें हम, अपने बाप को बाप न कहें, तो क्या ये अच्छा चीज़ है भाई? अपने रामचंद्र जी को हम रामचंद्र जी हम भगवान न माने, बाबर के बाप मान लें, रामचंद्र जी को न माने, क्या ये अच्छी बात है? जितने लोग ये प्रश्न कर रहे हैं उसी से मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या अपने बाप ऐसा नहीं हुआ क्या? सिया सुन्नी के बीच में बात नहीं हो रहा, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के बीच में क्या बात नहीं हुआ है? नहीं, मगर अच्छी बात है क्या? बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि आदमी अगर अपने हक के लिए लड़ रहा है तो फिर वो क्या कर रहा है भाई? तो कबीर दास जी जैसे कहते हैं कि घट घट में राम जी बसे, तो उनको ये मंदिर की क्या जरूरत है? दोनों घट में बस रहे हैं। हाँ, ये दोनों पक्ष को सोचना चाहिए, ये तो दोनों पक्ष के क्या नहीं, तो घट घट में सिर्फ राम ही है, अल्लाह नहीं घट घट में, अल्लाह भी तो है, दोनों पक्ष के सोचना चाहिए। अल्लाह नहीं घट घट में, राम रहे दोनों, नहीं ठीक है, ये भी ठीक है। सवाल इस बात का है कि यह सिर्फ अहंकार टकराव है, अहंकार ईगो स्ट्रगल ऑफ ईगो, उसी का टकराव, इसी का टकराव है, क्योंकि वो अटैकर हैं, रावर्स हैं, और वो जब आए इस देश के ऊपर उन्होंने कब्जा किया, कब्जा करने के बाद उन्होंने यहाँ के कल्चर को नष्ट करना चाहा, यहाँ के संस्कृति को तोड़ना चाहा, क्या जरूरत थी उनको मस्जिद बनाने के लिए? इस देश में 68 लाख जो है हेक्टेयर जमीन पड़ी हुई है, जो कि आज भी कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग की जाती है, कभी भी दैने बाय बन सकता था वहाँ वो कहीं बना सकते हैं, ये तो कोई जरूरी नहीं कि हम आपके घर के ऊपर ही घर बनाएं, ये तो उनकी आक्रामकता है, अटैकिंग जो है उनके अंदर जो है। पर इतनी भूली बिसरी बात, पुरानी बात, उसको गले मुर्दे उखाड़ने, आज उखाड़ के लोगों के जीव जा रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, देश की प्रगति में नाश हो रहा है, क्या जरूरत है? जस्ट सवाल इस बात का है कि यह बातें भूली बिसरी नहीं है, यह 1529 में जब यहाँ पर मीर बाकी ने मस्जिद बनवाया, ये लड़ाई तो हम तब से लड़ रहे हैं, तो ये हमारा अहम है कि हम भूलते नहीं। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, क्यों भाई क्यों भूलें अपने बाप, हम क्यों भूलें अपने आस्था को, क्यों भूलें? हम कहते हैं नहीं ठीक है, ये आस्था है कि आस्था है? नहीं, आस्था है, हमारी तो आस्था उनकी है, अहम उनका है, आस्था हमारी है, उनका अहम है कि नहीं हम कब्जा करें, हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारी आस्था है, जो हमारी चीज है हम उसको वापस लेंगे, चाहे किसी कीमत पर, देश रहे या जाए उसकी चिंता नहीं है, हम उसको वापस लेंगे, चाहे कोर्ट से मिले न मिले, बल से मिले, ताकत से मिलेगी। ठीक है। हाँ।
क्या बेच रहे हो बच्चे? हलवा क्या है वो? हलवा है राम जन्मभूमि का, राम जन्मी भूमि का फोटो बेच रहे हो? फोटो मस्जिद कैसे तोड़ी? बिकता है अभी बरसात हो अभी बिका हुआ। इलाका जी दो चार घर मोहन का, पहले तो 2-4 हजार थे और आज? अब आज 200-400 होंगे बस, बहुत लोग कम हो गए। नहीं जो 90 वाला झगड़ा हुआ था 92 में, 6 दिसंबर 92 को, उसमें इन लोगों का घर फूंक दिए थे लोग ना, घर सब जल गए थे, तो अभी ये लोग फोड़ दिए मतलब। राम में बहुत आस्था है, मैं हिंदू आदमी हूँ, वो भी ब्राह्मण है, भगवान की तो आस्था बहुत है, मैं राम को मानता हूँ। राम के खिलाफ कोई एक शब्द मैं सुनने के लिए नहीं तैयार हूँ। और सकल हंस में राम विराजे, धामे नहीं राम बिना कोई धामे नहीं। अरे सबर बंड में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हाँ सबर बंड में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। और सकल हंस में राम विराजे, अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। एक आवाज मुझे मालवा मध्य प्रदेश की ओर खींचती है, एक ऐसी आवाज जिसमें एक अलग ही राम उभरते हैं। हाँ सबर बंद में जोत का वासा, राम को सुमरा न दूजा नहीं। अरे तीन गुण परते जे हमारा, उसे राम कहें, कृष्ण कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें, वाहिगुरु कहें, और जो भी कुछ पता नहीं, जो जो जिसके मन में आए जो कहो, पर है वही। फिर भी कभी हम एक दूसरा के बीच में दूरी पैदा करा, एक दूसरा के अलग करा के नहीं, हमारा तो भगवान ही है, इनका वही उनका नहीं उनका तो बताओ क्यों कहें। ये प्रह्लाद टिपानिया है, मालवा क्षेत्र में कबीर को गाने वाले शायद सबसे लोकप्रिय गायक। इस शहर में खोज, इस मंदिर में खोज, तो इसलिए आगे यूं कहा है।
लगी सुमर लेना राम धनी से मारी डोरे लगी मैं गांव लूनिया खेड़ी में प्रहलाद टिपानिया के घर पर हूँ, जहाँ जाहिर है न सिर्फ कबीर बल्कि बाबा आम्बेडकर भी बसते हैं। और मैं सोचती हूँ यहाँ मेरी किस राम से भेंट होगी। वैसे 27 को रखा जा सकता है, परंतु हमारा कार्यक्रम 26 को भी है। आपके यहाँ सगुन की परंपरा ज्यादा है आपने कहा? सिरगुन ज्यादा है और आपको निर्गुण से लगा, इसीलिए टिपानिया जी को बुला रहे हैं आप? तो निर्गुण से आपको क्यों लगाओ? सत्य है निर्गुण, और सिरगुण मानते नहीं है। सिरगुण सत्य नहीं है? अच्छा, सिरगुण सत्य क्यों नहीं है? साहब जी सब छापी हुई है, पंडितों की कला है। अच्छा अच्छा, ब्राह्मणों के नहीं? ठीक है, अपन ब्राह्मण को अपने इसमें नहीं रखते। सगुण का मतलब ब्राह्मण तो नहीं होता, सगुण का मतलब होता ऐसी चीजें जो दिखाई देती हैं, जो गुणयुक्त होती है। तो शरीर भी तो सगुण है, तो शरीर क्या झूठ है? जैसे जो लोग सिरगुण को मानते हैं वो किस चीज को मानते हैं? भगवान राम को, कृष्ण को। अच्छा ठीक है, और फिर निर्गुण को मानने वाले किस को मानते हैं? निर्गुण को मानने वाले संतों ने बताया, शब्द नाम को मानते हैं। अब नाम कौन सा? गुरु जो देते हैं सब। अच्छा, तो नाम तो बहुत है, जमाने भर के नाम है। कबीर ने कहा था कि अनंत नाम, अनंत नाम, अनंत नाम जो ब्रह्म का, और ताका वार न पार, और मन माने सो लीजिए कहें कबीर विचार। कबीर ने ऐसा कहा। तो मन को यदि राम का नाम भाग गया तो क्या होगा? क्या वो सगुण को मान रहा है? तो कबीर ने भी कहा है, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि निर्गुण सगुण कुछ अंतर नहीं, परंतु हमारे मन में जैसे सरगुण की बात आती है तो हम केवल यूं ही क्यों देख लेते हैं कि वो तो राम के बारे में बात करी या कृष्ण के बारे में बात करी। कौन सा साहब जी, वो मूर्तियाँ जो बनी हुई रहती है वो उसके अंदर क्या है? अच्छा, मूर्ति बनी हुई उससे साहब जी, उससे किसी को छूने नहीं देते क्या? छुआछूत रखते हैं उससे, मूर्ति से? हाँ, मन कोई दूसरा आदमी छू नहीं सकता है। सुनो, राम को साकार रूप मूर्ति के रूप में मत मानो, रामायण में चौपाइये राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। अभी साहब ने बताया नहीं कि मन और बुद्धि की भी वहां पहुंचनी है, तो वो राम है। अपन राम उसको ही मत सोचो कि जो राजा दशरथ का पुत्र था और सीता जी का पति था, जिनने धनुष तोड़िया या रावण को मारिया, वो राम नहीं है। उसको नहीं मानना है, वो तो सब था अब नहीं है। उस राम को मानना है जो सबके अंतर में वास कर रिया है। संत कहे सग राम, राम ने भूल्यो की कर, भूल्या भूंडो वसी मान खो जासी बीखर। मोरा पड़ सीटा किया तो ऊपर लद सी लून चढ़ा सी सामी सीखर। संत कहे सग राम, राम ने भूलो की कर। वो संत कहे सगराम, राम ने भूलो की कर, मतलब उस मालिक को कैसे भूल गया तू? की कर मतलब क्यों? हाँ, क्यों भूल गया? अच्छा। जिसने तेरे को ऐसा अनमोल जन्म दिया है, कुछ करने के लिए जमीन पे भेजा। अच्छा। और तू नहीं करेगा तो आगे की बताया उसने। अच्छा।
आगे क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। जैसे वो गधे पे लून नमक लद के और फिर वो सामने पहाड़ पे चढ़ाते ना, ऐसे ही तेरी हालत होगी। चदरिया झीनी रे झीनी पश्चिमी राजस्थान में भारत की सीमा पर आखिरी गांव पुगल। हमारी जीप एक मिरासी गायक मुख्तियार अली के घर की ओर रवाना है। क्या यहां भी मुझे राम मिलेंगे? अरे बोलो भाई साधु, बहुत खूब खूब है। तो ये उल्टी बानी का क्या मायना? माना ये उल्टी है कि बरसे कमड़ियों भीज आसमान, जो इंसान का जो अंदर भीजता ना, जब शरीर को पानी मिलता है आसमान से, वो बना दिया बरसे कमड़िया। कमड़िया कमल क्या होता है? फूल होता है इंसान के अंदर में, इंसान के दिल में, दिल में वो सब शरीर को पानी देता है, रोटी देता है। तो ये सब दादा आपने कहाँ सीखा? मैंने कहा कोई कि इंग्लैंड से थोड़ी सीखे, हम तो यही सीखे हैं इंग्लैंड हम गए भी नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि जागरण और सत्संग दो चीजें होती है, और दोनों में क्या है कि हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल होते हैं उनमें। जैसे गांव में तो पूरा एकदम है, अगर 15-20 मुसलमान हर जागरण में आपको मिल जाएंगे। अच्छा, उससे ज्यादा। और वहाँ क्या है कि हमारे क्या है कि 12 बजे तक तो भजन चलेंगे देवी देवताओं के, जैसे मान लो हनुमान जी के चल रहे हैं या किसी रामचंद्र जी भगवान के चल रहे हैं या कोई, उस 12 बजे के बाद में क्या है फिर संतों की बात चलेगी वहाँ, और इन पे फिर क्या है कि बहस होती है लोगों की। भजन तो एक ही गाया जाएगा लेकिन चर्चा कम से कम दो घंटे चलेगी। वो संतों की बात है जी, उसमें चाहे कबीर ले लो, चाहे बुल्ले शाह ले लो, चाहे शाह हुसैन ले लो, चाहे शाह बाऊ ले लो, उन लोगों ने उन धर्म को अलग रख के जो उन्होंने खुद ने महसूस किया है वो बातें होंगे। सूफिया में यही है मकसद के उसमें ना तो कृष्ण जी का नाम है कहीं, ना ही कहीं अल्लाह का नाम है। अच्छा। ना ही कहीं राम का नाम है। वो एक प्यार का रिश्ता है उसमें, प्रेम का रिश्ता है। मालिक को वो एक अपने मासूक के रूप में उन्होंने माना, वो है सूफिया में। और की मंगना मैं रब को लूं, मंगना मैं रब को लूं, नित खैर मंगा तेरे दम भी। आहा,
नित खैर मंगा नित खैर मंगा सोने आवे तेरी दुआ ना कोई और मंग दी मैं नित नित खैर और सूफिया ना वो है जिसने हदीस को तोड़ दिया हदीस मैंने वो धर्म की किताब है कुरान धर्म की किताब है कलाम धर्मों की किताब के हिसाब से कवाली चलेगी और सूफिया ना है वो उससे बंधा हुआ वो अलग है बात होगी सिर्फ मालिक की के सबका मालिक है सारे सपोर्ट हटा दिए सारे सपोर्ट जितने होते हैं ना जैसे जब धर्मों के सपोर्ट सब हटा देते हैं वो डायरेक्टली बात है तेरे प्यार दिता जदों का सहारा में तेरे प्यार दिता जदों का सहारा में